हाय, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फंक्शन के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या फर्क है, यानी जो चेंजेस लोकल वेरिएबल्स में होगा क्या वो इफेक्ट मेन फंक्शन में भी दिखेगा, क्या ग्लोबल वेरिएबल्स में जो चेंजेस एक फंक्शन करेगा क्या वो चेंजेस दूसरे फंक्शन में भी दिखेंगे, क्या वो चेंजेस मेन फंक्शन में भी दिखेंगे। अब ये जो कंसेप्ट है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का, थ्रू प्रोग्राम्स करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर पे। हम इस लेक्चर में लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या फर्क है वो समझेंगे, वो भी रनिंग प्रोग्राम्स के जरिए। जैसे एक प्रोग्राम है, ये हमको लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स में फर्क बताएगा। देखिए, मैं इसको रन कर रहा हूं, ये देखिए आपको रिजल्ट के साथ समझाया जाएगा कि भाई ये एक्स की वैल्यू कंप्यूट में 5 कैसे है तो कैलकुलेट फंक्शन में ये 50 कैसे हो गई। ठीक है, ना केवल ये, हम ये भी समझेंगे कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं और हर चीज अपन प्रैक्टिकली करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा 15B लेक्चर है फंक्शंस का। जैसा कि हमने बात किया था कि फंक्शंस को पूरा समझने के लिए पाइथन में हम 9 लेक्चर्स बना रहे हैं। हम पहले 3 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है कि नहीं है और फिबोनाची नंबर्स कैसे डिस्प्ले करते हैं, ये पिछले 3 लेक्चर्स में देख चुके हैं और ये आगे के लेक्चर्स हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली अपने डिजायर लेक्चर पे भी जंप कर सकते हैं, है ना। तो अब हम शुरू कर रहे हैं, ये हमारा पहला प्रोग्राम जो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में समझाएगा। देखिए, नाम से लग रहा है कि लोकल वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन का ही हिस्सा हो, ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो हर फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, नाम से लग रहा है कि लोकल वेरिएबल वो है जो सिर्फ एक फंक्शन तक ही सीमित है। जो भी चेंजेस उस वेरिएबल पे उस फंक्शन के अंदर होंगे, जैसे ही बाहर आएंगे तो उस वेरिएबल्स पे जो भी चेंजेस किए गए थे उस फंक्शन में, वो सारे लॉस्ट हो जाएंगे। यानी लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो उसी फंक्शन तक ही सीमित होता है। वो जो भी चेंजेस उस फंक्शन में किए उस वेरिएबल्स पे, वो चेंजेस उस फंक्शन तक ही सीमित हैं। जैसे आप बाहर आओगे, जैसे कंट्रोल बाहर आएगा दूसरे फंक्शन में जाएगा, तो जो भी चेंजेस उस लोकल वेरिएबल पे एक फंक्शन में किए थे वो चेंजेस दूसरे फंक्शन में नहीं दिखेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि एक वेरिएबल पे जो भी एक फंक्शन चेंजेस करे वो चेंजेस मेन में भी दिखे और दूसरे फंक्शन में भी दिखे, तो आप उसको ग्लोबल डिफाइन कर लो। कैसे होता है ये देखते हैं। देखो, अब ये प्रोग्राम है छोटा सा, देखिए अगर आपने किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन में डिफाइन नहीं किया तो वो ग्लोबल ही माना जाता है। आपने इस x रूट 10 लिखा है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा, तो ये जो x है ये ग्लोबल वेरिएबल है। यानी ये कोई भी फंक्शन इसके अंदर चेंजेस करना चाहे कर सकता है। ठीक है, अब आपने कहा कंप्यूट x, कंप्यूट फंक्शन कॉल करो और साथ में x को ले जाओ। ठीक है, x जाके इसको अलॉट होगा तो x की वैल्यू होगी 10। ठीक है, अब आप इसके अंदर चेंजेस कर रहे हो। मैं फिर से बोलता हूं, क्या आपने इधर कोई ग्लोबल एक्स या कोई ऐसा कीवर्ड यूज किया? नहीं। तो यानी आप ये जो फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे एक्स में, एक्स की वैल्यू 10 हो चुकी है, 10+5 यानी एक्स की वैल्यू 15, वैल्यू ऑफ एक्स इन फंक्शन इज 15, ये 15 करके डिस्प्ले कर देगा। अब जब आप वापस जाओगे मेन फंक्शन में, क्या वो चेंजेस जो उस वेरिएबल एक्स पे इस फंक्शन ने किए थे, क्या वो चेंजेस मेन में दिखेंगे? नहीं। देखो क्या हुआ, आपने एक वेरिएबल को भेजा एक फंक्शन में और उस फंक्शन के अंदर कुछ चेंजेस किए, ठीक है, तो वो चेंजेस बाहर आने पर वो नहीं दिखेंगे। अगर मैं चाहूं कि ये वेरिएबल पे जो चेंजेस मैंने किए, इस फंक्शन में चेंजेस किए, वो बाहर भी मेन फंक्शन में दिखे, तो आपको एक ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो वेरिएबल एक्स है इसके इंपैक्ट इसी फंक्शन के अंदर लोकली रहेंगे। जैसे आप बाहर आओगे इसके चेंजेस लॉस्ट हो जाएंगे और जब आप इधर डिस्प्ले करोगे वैल्यू ऑफ एक्स इज स्टिल 10 ही डिस्प्ले करेगा। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और स्पाइडर में गया, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं रन कर रहा हूं, आप गौर से देखना, आप वैल्यू ऑफ एक्स इन फंक्शन इज 15, क्योंकि ये 10 गया इधर, आपने ग्लोबल कीवर्ड नहीं लगाया तो ये लोकल ही माना जाएगा वेरिएबल। यानी जो भी चेंजेस आप कर रहे हो इस फंक्शन तक ही सीमित है। वैल्यू ऑफ एक्स इन फंक्शन इज 15 क्योंकि आपने 5 ऐड किया। जैसे आप रिटर्न, अगर रिटर्न नहीं भी लिखते तो भी बाय डिफॉल्ट रिटर्न नन ही माना जाता है। ठीक है, कंट्रोल वापस यहां आएगा मेन फंक्शन में, वैल्यू ऑफ एक्स इज स्टिल 10 क्योंकि इसने ग्लोबल वाली वैल्यू उठा ली। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल का कंसेप्ट गौर से देखिएगा। आपने इस प्रोग्राम के अंदर एक्स की वैल्यू 0 लिख दी, यानी ग्लोबल वेरिएबल एक्स की वैल्यू 0 कर दी। आप कंप्यूट मेथड में जा रहे हो, कोई पैरामीटर लेके नहीं जा रहे हो। ठीक है जी, अब आप यहां आए, ग्लोबल एक्स लिखते ही आपने कंप्यूटर को बोल दिया कि बॉस ऐसा है कि जो ग्लोबल वेरिएबल है एक्स जो डिफाइंड है, मैं उसी एक्स को लेना चाहता हूं।
यानी अब जो चेंजेस आप इस कंप्यूट मेथड में करोगे वो इस एक्स वेरिएबल पे ही होंगे। वैल्यू ऑफ एक्स इन कंप्यूट इज क्या डिस्प्ले करेगा, जीरो। ठीक है जी, एक्स के अंदर पांच जोड़ दो तो एक्स हो जाएगी पांच, रिटर्न नन, वापस मेन फंक्शन में जाओ खाली हाथ जाओ। ठीक है जी, अगर मैं यहां पे अगर आपको प्रिंट करे एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करूं तो ऑब्वियसली कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा, पांच, क्योंकि आपने ये ग्लोबल एक्स लिखकर पाइथन को बोल दिया कि जो वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन किया गया है एक्स, मैं उसी को इधर इस्तेमाल करना चाहता हूं और जो भी मैं इधर चेंजेस करूंगा वो ग्लोबली माने जाए, ये एक्स अब लोकल वेरिएबल नहीं माना जाए। ठीक है, मैं इधर डिस्प्ले नहीं कर रहा, मैं डिस्प्ले वैल्यू फंक्शन में जा रहा हूं, दूसरा फंक्शन। ठीक है, यहां पे भी ग्लोबल एक्स लिख के मैंने पाइथन को बोल दिया कि जो एक्स ग्लोबली चला आ रहा है उसी को इस्तेमाल किया जाए, मेरे लिए रीडिफाइन मत करना, मेरे लिए लोकल वेरिएबल मत डिफाइन करना। अब आपने लिखा वैल्यू ऑफ एक्स इन डिस्प्ले वैल्यू फंक्शन इज एक्स की वैल्यू पांच, भले वो चेंजेस कंप्यूट मेथड नहीं किए थे लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन का चेंजेस दूसरे फंक्शन में दिखेंगे, मेन में भी दिखेंगे, तो वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस वैल्यू इज फाइव डिस्प्ले करेगा। ठीक है, दिस वैल्यू ने एक्स की वैल्यू दो से घटा दी तो पांच से हो जाएगा तीन। आप रिटर्न नन करके वापस मेन फंक्शन में आ रहे हो, आप क्या सोचते हो अगर मैं यहां पर प्रिंट करूं एक्स की वैल्यू तो क्या डिस्प्ले करेगा, तीन। आप कंप्यूट मेथड में गए, आप कह रहे हो कि साहब ग्लोबल ही वेरिएबल एक्स हो, मेरे को लोकल डिफाइन नहीं करना। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ एक्स इन कंप्यूट फंक्शन इज क्या डिस्प्ले करेगा, तीन, भले आपके डिस्प वैल्यू मेथड ने वैल्यू घटाई हो लेकिन वो चेंजेस किस में दिखेंगे, कंप्यूट में, क्योंकि एक ही वेरिएबल चल रहा है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है एक ही मेमोरी एलोकेट हो गई और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसी एक सिमिलर मेमोरी लोकेशन पे हो रहे हैं, जो भी फंक्शन करे भले। ठीक है, तो एक फंक्शन चेंज करेगा तो उसके चेंजेस, उसके इफेक्ट दूसरे फंक्शन में दिखेंगे, दूसरा फंक्शन चेंज करेगा तो उसका इंपैक्ट मेन में भी दिखेगा और कोई और फंक्शन भी होगा तो उसमें भी दिखेगा। आपने एक्स के अंदर पांच जोड़ दिया तो हो जाएगा आठ। अब आप डिस्प वैल्यू में जा रहे हो, कह रहा है कि भाई ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करो, वैल्यू ऑफ एक्स एंड डिस्प वैल्यू इज आठ, भले वो पांच जो एड हुए थे वो कंप्यूटर मेथड ने किए थे लेकिन उसका इंपैक्ट डिस्प वैल्यू में दिखेगा। आपने आठ में से दो घटा दिए, छह हो जाएंगे, अब वो रिटर्न करेगा, बाहर आ जाएगा, यहां से प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करके आपको इसका आउटपुट दिखाता हूं। कंट्रोल सी करके कॉपी किया या कंट्रोल वी करके डिलीट किया, कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, ये देखिए। अब देखिए अगर मैं ये ग्लोबल कीबोर्ड हटाता हूं, गौर से सुनो, मैं लिखता हूं एक्स इन टेन, अब क्या ये ग्लोबल है, नहीं, ये जो एक्स इज दस डिफाइन हुआ है ये कंप्यूट मेथड का लोकल वेरिएबल हो गया। वैल्यू ऑफ एक्स इन कंप्यूट फंक्शन इज दस बेस पे करेगा, एक्स के अंदर आपने पांच जोड़ दिया पंद्रह हो गया। अब जब आप रिटर्न होकर मेन फंक्शन में जाओगे, डिस वैल्यू फंक्शन में जाओगे, क्या एक्स वैल्यू पंद्रह दिखाएगा, नहीं, इधर ग्लोबल लिखा है वैल्यू एक्स की आपकी जीरो दिखाएगा, क्योंकि ये जो आपने एक्स को रीडिफाइन कर दिया, जैसे आपने किसी फंक्शन में वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो उसका लोकल बन गया। देखो उसको पहले इसका रन कर, देखो उसका आउटपुट, वैल्यू ऑफ एक्स इन कंप्यूटर इज टेन, वैल्यू ऑफ एक्स एंड डिस वैल्यू जीरो, ये जीरो कहां से आया, क्योंकि ये जो इधर आपने एक्स के साथ चेंजेस किए वो इसी कंप्यूटर मेथड तक ही है। ठीक है, अब आप गौर से देख लो दोनों में फर्क, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का। देखो वेरिएबल जो एक फंक्शन के अंदर डिफाइन होंगे उनको आप बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल्स मानेंगे। ठीक है, अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल के नाम से अगर रीडिफाइन किया है फंक्शन के अंदर तो वो वेरिएबल उस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल ही माना जाएगा। ठीक है, वापस देखिए, वेरिएबल जो एक फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ वो लोकल वेरिएबल ही कहलाएंगे और वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होंगे। अगर आपने फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन किया जो ग्लोबल वेरिएबल जैसे नाम का ही है तो वो फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल ही माना जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है, कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाए उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, आपको कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के बाहर डिफाइन करने के लिए ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये वेरिएबल जो ग्लोबल है ये किसी भी फंक्शन में या फंक्शन के बाहर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी फंक्शन के अंदर किसी ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करते हो तो ग्लोबल कीवर्ड लगाने से पाइथन को पता चल जाएगा ये बाहर जो डिफाइन किया गया है वही वेरिएबल मेरे को इस्तेमाल करना है। अब देखिए ये प्रोग्राम आपको लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल में फर्क ज्यादा अच्छी तरह क्लियर कर देगा। गौर से देखिए, आपने यहाँ पे एक्स रूट फाइव लिखा, देखिए मैं फिर से बोलता हूँ ये एक्स रूट फाइव यहां लिखो या इस फर्स्ट फंक्शन से ऊपर लिखो, कहीं पे भी लिखो ये ग्लोबल ही माना जाएगा। ठीक है, बस फंक्शन के अंदर नहीं लिखना है। तो ये आपका एक्स रूट पांच ग्लोबल वेरिएबल हो गया। कंप्यूटर मेथड में जाओ, आप कंप्यूटर मेथड में गए, आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो वैल्यू ऑफ एक्स को डिस्प्ले कर रहे हो,
तो ये वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा, 5, क्योंकि आपने इधर कुछ भी नहीं लिखा तो ग्लोबल ही ले लेगा वेरिएबल, है ना। फिर देखिए कैलकुलेट मेथड में जाओ तो यहां आया, आपने एक्स 50 लिख दिया, रीडिफाइन कर लिया, तो एक्स यहाँ का लोकल वेरिएबल हो गया, वो ये 5 नहीं उठाएगा, ठीक है। और जो भी चेंजेस इस कैलकुलेटर में होंगे वो इसी तक ही सीमित रहेंगे, बाहर आने पर ये चेंजेस आपको बाहर इस ग्लोबल वेरिएबल में नहीं दिखेंगे। तो आपकी एक्स वैल्यू हो गई 50, वैल्यू ऑफ एक्स इन कैलकुलेटर इज 50 डिस्प्ले करेगा, आपने 50 में 10 घटाए 40 कर दिए, कंट्रोल वापस जब इधर जाएगा तो वो 40 का इंपैक्ट इज एक्स इज ग्लोबल वेरिएबल में नहीं दिखेगा, ठीक है। प्रिंट, आपने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ एक्स इन मेन फंक्शन इज, ये आपका अभी भी 5 ही डिस्प्ले करेगा, ये 40 नहीं करेगा, क्योंकि आपने इधर एक्स को लोकल वेरिएबल डिफाइन कर लिया था। अब आप कह रहे हो दिस वैल्यू फंक्शन में जाओ, आ गया जी ग्लोबल एक्स लिखकर आपने कह दिया साहब मैं तो ये ग्लोबल वेरिएबल को ही इस्तेमाल करने के मूड में हूं, वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस वैल्यू इज 5 डिस्प्ले करेगा, आपने उस ग्लोबल वेरिएबल 5 में से 2 घटा दिए, हो जाएगा 3। अब आप वापस जा रहे हो कंप्यूट मेथड में, जब आप उसको डिस्प्ले करोगे, आपने जो रीडिफाइन नहीं कर रहे हो तो वो ग्लोबल वेरिएबल एक्स की वैल्यू लेगा जो कि है 3, वैल्यू ऑफ एक्स इन कंप्यूट फंक्शन इज 3 डिस्प्ले करेगा, आपने कैलकुलेट कॉल किया वो यहां जाएगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो यहाँ पे लोकल रीडिफाइन करेगा, उसकी वैल्यू 50 कर देगा, वापस ये जो एक्स की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट फंक्शन में जो डिस्प्ले होगी वो 50 ही होगी, आपने एक्स की वैल्यू 40 कर दी, लेकिन कोई चेंजेस नहीं दिखेगा क्योंकि ये चेंजेस इसी लोकल फंक्शन में कैलकुलेट में ही दिखेंगे। अब आप डिस्प्ले वैल्यू में जाओ, वैल्यू ऑफ एक्स इन डिस्प्ले ग्लोबल लिखा है तो एक्स की जो ग्लोबल जो वैल्यू होगी कितनी थी, 3 हो गई थी, 3 डिस्प्ले करेगा, और डिस्प्ले करने के बाद 3 में से 2 घटाएगा 1 कर देगा। इसको अब रन करते हैं एक बार, ये देखो ये आपका आउटपुट बिल्कुल सही है। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।